हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? मैं बहुत बढ़िया हूँ। और आज है 19th of July और आज मैं शूट करने वाली हूँ अपनी ज्वेलरी कलेक्शन। तो यस, मैं अगर आपको याद होगा या आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो आपने देखा होगा मैंने फर्स्ट वीडियो अपनी ज्वेलरी कलेक्शन ही आपको दिखाया था। और फर्स्ट पार्ट था वो मेरी ज्वेलरी कलेक्शन का, ये मेरे सेकंड पार्ट है ज्वेलरी कलेक्शन का। इसमें एक्सेसरीज है, बैंगल्स है, इयररिंग्स है और रिंग्स है, बहुत सारी चीजें हैं। इफ़ यू लाइक तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आपको भी थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा इफ़ यू लाइक ज्वेलरीज एंड ऑल, तो कि कैसे वेयर करनी है, क्या परचेज करना चाहिए, किस तरह की ज्वेलरी आपको लेनी चाहिए, कौन सी ड्रेस के साथ कौन सी ज्वेलरी अच्छी लगेगी, वो सब कुछ मैं शेयर करूंगी गाइज। तो प्लीज स्टे ट्यून और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे चोकर से। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी अपना जो मैंने पहना है चोकर, इसी से। दिस इज वेरी वेरी प्रिटी गाइज, अगर आप देख सकते हो तो ये बहुत प्रिटी है और इसमें कान्हाजी बने हैं। और वैसे भी आजकल टेम्पल ज्वेलरी का बहुत बहुत फैशन में है टेम्पल ज्वेलरी। ये भी आप देख सकते हो, उसकी इयररिंग्स भी बहुत सुंदर है, उसमें कान्हा जी की कुछ बना है, मतलब कान्हा जी बने हैं मुरली पकड़कर, प्रॉपर नहीं बने पर लुक कान्हा जी का ही है। और दिस इज वेरी वेरी प्रिटी, मुझे बहुत पसंद आए। और इसके बाद मैं आपको दिखाने वाली हूँ पहले चोकर्स, देन इयररिंग्स, उसके बाद मुझे लग रहा है थर्ड पार्ट मुझे और बनाना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि ये सेकेंड पार्ट में भी ये पूरा नहीं होगा कवर। ओके, तो चलिए जल्दी जल्दी हम बिना टाइम वेस्ट किए अपनी ज्वेलरी। फर्स्ट पीस गाइस, दिस इज वेरी वेरी प्रिटी पीस। ये आप पहन सकते हो किसी सूट के साथ, आप ये पहन सकते हो किसी वन पीस के साथ, ये आप पहन सकते हो साड़ी के साथ, ये आप पहन सकते हो, या अगर आपका कोई टॉप है, वी नेक है, या कुछ भी हो, मतलब कॉम्प्लीमेंट कर रहा है इसको, तो डेफिनेटली आप उसके साथ भी ये पहन सकते हैं। दिस इज वेरी वेरी प्रिटी पीस। ओके, सेकंड वन हरा है और ज्यादा हैवी भी नहीं है, छोटा कुछ आपको पहनना हो कभी तो ये डेफिनेटली बहुत अच्छा लगेगा पीस उसी के उसके साथ। मेरा भाई मुझे लेकर आया है हरिद्वार से, उसको पता है कि मुझे ऐसी ऐसी चीजें पसंद है, तो वो मेरे लिए वहां से यही लेकर आया है। आई लव इट, ये भी बहुत अच्छा है, टॉप के साथ आप पहन सकते हैं पीस है, ये भी माला ही है और ये भी आप किसी टॉप के साथ पहन सकते हो उसको पूरा लुक देने के लिए और कंप्लीट लुक देने के लिए। मतलब डिपेंड करता है कि आपका ड्रेसिंग सेंस और आपको किस चीज को आप कैसे कैरी करते हो, दैट्स वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, उसी से आप का पूरा लुक कंप्लीट होता है। अदरवाइज कोई भी कपड़ा खराब नहीं होता, कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी पसंद खराब है या मेरी पसंद खराब है, पर आपको कैरी करना आना चाहिए, दैट्स सिंपल। ओके, ये है, दिस इज आल्सो वेरी प्रिटी माला, ये मेरी बड़ी मम्मा ने मुझे दी थी और ये मैंने ले ली है कि शायद कभी किसी चीज के साथ अच्छा लगेगा, लाइक साड़ी एंड ऑल। दिस इज आल्सो वेरी प्रिटी माला और ये मैंने बहुत वीडियोस में मतलब मैंने पहनी है ये फोटोज में काफी ज्यादा। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो किया है तो आप देख सकते हो वहां पे भी मैंने कुछ पिक्स डाली है चोकर। दिस इज आल्सो वेरी वेरी प्रिटी चोकर और ये भी कुछ टेंपल ज्वेलरी ही है। और ये भी आपने अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो किया है तो ये भी मैंने वहां पे पहना है, ये मैंने दो तीन रील्स में भी ये मैंने पहना है और ये बहुत खूबसूरत लगता है। ये आप पहन सकते हो प्लेन सूट है आपके पास कोई, या आपके पास कोई साड़ी के साथ आप पहन सकते हो, या ब्लैक एंड व्हाइट कोई भी सूट है आपके पास, बहुत सुंदर लगेगा। है वो है दिस वन और ये इयररिंग्स मुझे इतने ज्यादा पसंद नहीं है पर मैंने ले लिए क्योंकि चोकर के साथ तो लेने ही पड़ने थे, पर हाँ मैं कभी ना कभी डेफिनेटली इसको पहनूंगी, पर चोकर के साथ मैं कोई और इयररिंग्स मिक्स एंड मैच करके पहन लेती हूँ, ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है कि इसके साथ यही पहनने पड़ेंगे, और पहना नहीं है पर ये मुझे गिफ्टेड है, ये भी मुझे बहुत पसंद है और ये मैं पहन सकती हूँ लाइक टॉप के साथ, ये मैं पहन सकती हूँ और सूट्स के साथ मैं ये पहन सकती हूँ, ये भी बहुत सुंदर पीस है, ये भी बहुत बहुत खूबसूरत है गाइज। और इसके साथ इयररिंग्स भी बहुत सुंदर हैं और ये भी मैंने एक रील में पहना है इंस्टाग्राम पे, प्लीज़ आप मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे भी, वहाँ पे भी मैं बहुत सारी रील्स बनाती रहती हूँ और आप देख सकते हो कि मैं कैसे अपनी इयररिंग्स को एक्सेसरीज को स्टाइल करती हूँ।
पहन सकते हो वन पीस के साथ, वेस्टर्न किसी ड्रेस के साथ, ये भी बहुत खूबसूरत है गाइस। ये पीस बहुत बहुत मतलब बहुत स्मूथ और बहुत प्यारा है, और इसके साथ इयररिंग्स भी बहुत सुंदर है। और ये अभी मैंने एक रील में पहना है इंस्टाग्राम पे, प्लीज़ आप मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे भी, वहाँ पे भी मैं बहुत सी सारी रील्स बनाती रहती हूँ और आप देख सकते हो कि मैं कैसे अपनी इयररिंग्स को, एक्सेसरीज को स्टाइल करती हूँ ड्रेस के साथ। ये भी बहुत खूबसूरत है गाइस, ये पीस बहुत बहुत मतलब बहुत स्मूथ और बहुत प्यारा है। ये मैं सूट्स के साथ भी पहन सकती हूँ या साड़ीज के साथ पहन सकती हूँ, बस बात वही है कि आप अपने आप को कैसे स्टाइल करते हो और आप किसी चीज को कैसे कैरी करते हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अभी कुछ दिन पहले गाइस मैं गई थी हरिद्वार ऋषिकेश, तो मैं वहाँ से कुछ चोकर्स लेकर आई हूँ, जो कि मैं जहाँ पे भी जाती हूँ मुझे बहुत पसंद है एक्सेसरीज, तो मैं वहाँ से कुछ ना कुछ लेकर ही आती हूँ। बाद चोकर हो गए हैं डन, अभी तो फिलहाल जो मुझे नहीं नजर आ रहे हैं। उसके बाद ये है मेरी इयररिंग्स जो कि मैंने आपको दिखाए थे अपनी पिछली वीडियो में, और इस वीडियो में भी काफी ज्यादा और मैंने इसमें ऐड कर लिए हैं, जैसे कि ये मेरी न्यू बैंगल्स मैंने इसमें ऐड किया है, ये मेरी चाची हमें मेले से लेकर आया है कहीं से, तो आई लव इट, उनको भी पता है मुझे ऐसी जब सब चीज़ें पसंद है इसलिए लेकर आए, और ये मुझे पसंद भी आई सबसे बड़ी बात, ये बहुत प्लेन मतलब प्लेन है, सुंदर है, वाइट कलर की है, तो आई लव इट। ओके, ये इयररिंग्स इसमें ऐड हुए हैं, न्यू ये दिखा दिए हैं, पर ये जो इसमें नया ऐड हुआ है वो सब मैं आपको बता रही हूँ। ये भी एक ऐड हुए हैं इसमें नए, ये भी बहुत खूबसूरत है, और गाइस दिस इज ऑल्सो वेरी प्रिटी हुप्स, तो मतलब हमेशा स्टाइल में इन ही रहेगा, क्योंकि आपके पास कुछ भी ना हो ना पहनने को, हुप्स पहनो और देन गो, तो ये आपके लुक को कंप्लीट कर लेता है। एक और पीस, ये मेरा वन ऑफ द बेस्ट और वन ऑफ द फेवरेट चोकर है, ये मुझे बहुत पसंद है और ये बहुत खूबसूरत लगता है बहुत ज़्यादा। इसकी भी मैंने एक वीडियो आई थिंक शेयर की है इंस्टाग्राम पे, वो आप देख लीजिए, और बहुत बहुत खूबसूरत है ये, वैसे ये नॉर्मल आपको कहीं पे भी मिल जाएगा। यस गाइस, मुझे लग रहा है ये वीडियो मेरा काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है, और मैं नहीं चाहती मेरा ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाए, आपको भी मज़ा नहीं आएगा देखने में, मुझे भी मज़ा नहीं आएगा बनाने में, तो यस हम ऐसा करेंगे कि नेक्स्ट थर्ड पार्ट हम ज्वेलरी कलेक्शन का डेफिनेटली बनाएंगे, और तब तक के लिए आप मेरी ज्वेलरी को इन्जॉय कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और अगर आपके पास कोई आइडिया है आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए। यस, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।